देखो वो अभी तक नहीं गया, यहीं खड़ा है। पता है, बस चुपचाप चलती रहो। चलो चलो। ऐसे कूद क्यों रहे हो? कबूतर हूँ मैं। क्या कहा? लव लेटर लाया हूँ। तुम कबूतर बनकर ये लव लेटर लाए हो, क्या चाहते हो पढ़कर अभी जवाब दूँ? बाद में दे देना। रुको रुको, खेल यही खत्म करते हैं। फ्रेंड्स इधर ध्यान दो, साहब ने मुझे अभी अभी लव लेटर दिया है। मैंने 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 अकेले पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये लेटर आप सबके सामने पढ़ूं। क्यों, ठीक है ना? माय डियर टावर। क्या टावर? क्या है ना, अंग्रेजी में लिखा है और इसीलिए एल की जगह टी लिख दिया है। माय डियर टावर, ये अपुन का पहला लव का क्रीम है। न्यू ईयर में तुमसे मिलके अपुन का गियर जाम हो गया। जब भी गाड़ी में मैं किक मारता हूँ, मेरा गियर बॉक्स क्या टूट जाता है। श्वेता इससे कहो बदल ले। अब तो तुम्हें चेस करना बन गई अपुन की सारी लाइफ, पता नहीं कब बनोगी वाइफ। अपने हैट में तुम्हारा टेम्पो बनाकर तुम्हारी पूजा करूंगा। हैट में टेम्पो? टेम्पो नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है, टेम्पल बनाएगा, क्योंकि अपुन को तुमसे लव है। मैं तुम्हें अपनी परमानेंट वाइफ बनाना चाहता हूँ। ए ए, परमानेंट या प्रेग्नेंट? ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। तुम मेरी लाइफ में पढ़ने वाली एक इंजन ऑयल हो, जिसके बिना अपुन की लाइफ खटारा है। ये लव लेटर है या किसी मैकेनिक का बिल? तुम ढंग से एक लव लेटर तो लिख नहीं सकते हो और चले हो मुझसे प्यार करने। ये लव लेटर इनके टाइम पास के लिए नहीं था, तुम्हारे लिए था। तुम इसमें जितनी भी गलती निकालो, पर अपुन की बात डायरेक्ट तुम्हारे दिल तक पहुंच गई थी। सही बोला ना, अगर कभी कोई लव लेटर लिखना आता तो कालिदास से लेकर गुलजार तक लड़कियां सिर्फ उन्हीं लोगों से पटती, बाकी लोग घर में बैठकर ताली बजाते। प्यार में जरूरी है अपुन का कूलिंग तुम तक पहुंचे और तुम्हारा कूलिंग अपुन तक आए, बस और कुछ नहीं। बात खलास। ये तो अपुन के हीरो की हीरोइन है। राजा राजा, क्या? वो दीदी आई है। किसकी दीदी? अरे वही जो उस दिन आई थी ना, गुंडों की बहन। आज क्या इरादा है? राजा को अपने नजरों के तीर से घायल करने आई हो क्या? नहीं, वो है कहाँ? इधर है। ए, तुम अपुन के एरिया में आई हो, कॉफी मंगाओ या मसाला दूध लोगी? सुनो सुनो, उस दिन जो लड़की आई थी ना, यही है वो। एक चाय मलाई मार के। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जाना नहीं आर्टिस्ट, इसे सबके सामने बोलने दो। बोलो। ए चल। ए, तुम लोग किधर जा रहे हो? ये तुझसे बात करने आई तो तू कर। अरे रुक रे, जब अपुन ने इसके बारे में नहीं बताया था तो तुम लोग को बुरा लगा था, अब सामने आ गई तो भाग रहे हो। रुको, कहो तुम्हारे दिल में आई लव यू का गुब्बारा फूटता है ना? मैं एक अमीर खानदान की लड़की हूँ। वो तो हो। और तुम एक बाइक मैकेनिक हो। अरे वो सब छोड़, तू अमीर है, मैं मैकेनिक हूँ, ये बात सब जानते हैं। तू मन की बात बोलना। मेरा रहन सहन अलग है, तुम्हारा अलग है। पॉइंट पर आना। दरअसल बात ये है कि एक मिनट, अपुन की जैसी कूलिंग है वैसी तुम्हारी भी ना, करेक्ट है? नहीं पर नहीं पर नहीं पर नहीं पर नहीं पर अपुन तुमसे ये नहीं पर नहीं सुनना चाहता। जब अपुन ने आई लव यू बोला तुमने डांटा, घर से भगा दिया, यहाँ पर पिटवाया, कॉलेज में मेरी इज्जत का फालूदा बनवा दिया। जब इससे भी मुझसे पीछा नहीं छूटा तो बातचीत से सल्टाने आई हो। देखो अपुन तुम्हें सच्ची में प्यार करता है, पर तुम अपुन से प्यार नहीं करती। पर एक दिन तुम्हारा दिल तुमसे जरूर बगावत करेगा और तुम्हें समझाएगा कि तुम अपुन के बिना नहीं रह सकती। पर ये कब होगा अपुन नहीं जानता, पर होगा जरूर, क्योंकि यू नेवर डाई फॉर मी। चल अब निकल ले। भाई चारा घोटाले का क्या हुआ? भेड़ से जाके पूछना। पीसा की मीनार टेढ़ी क्यों है? उसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जिसे दिया था वो इंसान ही टेढ़ा था। ओहो, इस वक्त तेरी घड़ी में क्या बजा है? 8:30 बज गए।
मैंने तो टाइम नहीं पूछा। अरे बाप रे, टाइम तो मैंने पूछा था। लगता है मेरा बुरा टाइम आ गया, मैं गटर में गिर गया, बचाओ। एक्सक्यूज मी, आप गटर में क्या ढूंढ रहे हैं? मैं 212 नंबर बस का इंतजार कर रहा हूँ। अबे ये दिखता नहीं है क्या? ये बीएमसी वाले गटर का ढक्कन खुला रखते हैं और मेरे जैसे ढक्कन इसमें घुस जाते। अब हाथ दे निकाल। इंटरव्यू के लिए जाना था, सारे कपड़े खराब हो गए। कौन सी कंपनी में? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी पोस्ट के लिए? असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। लाल दुपट्टे वाले, मेरा हाथ तो संभाल। सॉरी, उसी कंपनी में उसी पोस्ट के लिए मैं भी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इसी गटर में रहकर बदबू सूंघो। ऐसे में तो मैं यहाँ मर जाऊंगा। मेरे लिए तो यही अच्छा है ना। अच्छा वैसे तुम इंटरव्यू के लिए तैयार हो? ओह यस। तो चलो कौन बनेगा मैनेजर खेलते हैं। मैं सवाल पूछूं? हाँ क्यों नहीं। तू तेरे बाप का बेटा है या नहीं बता। सॉरी ये टफ क्वेश्चन था, मैं इजी वाला पूछता हूँ। 1+1 कितना बता। तू खुला सांड साबित हो सकता है। तेरा लाल कपड़ा देख के भड़क भी सकता हूँ। ओह नहीं नहीं, माफ कर दे। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ चली गई। बेवकूफ। तो आखिर तूने उसे कहा क्या? पागल है वो, मेरे प्यार ना करने से उसे फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे प्यार करता है और करता रहेगा। फिर उसने तुमसे क्या कहा? उसका कहना है कि एक दिन मैं उसके प्यार में दीवानी हो जाऊंगी। तो मना क्यों कर रही हो? प्यार कर लो उससे। क्या, उस जाहिल से प्यार करूं? सच में थोड़े ही करना है। यू मीन? एक काम कर, तू पहले उसे आई लव यू बोल दे, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन देख। सॉरी, अपुन थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, इंतजार में ही मजा है। उस दिन तो मुझसे नाराज हो गए थे, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि तुम्हारे प्यार में सच्चाई है, तो मैंने तय कर लिया कि मुझे तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहिए। I love you. ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। झूठ। ऐसा नहीं है। चुप। अब एक लफ्ज भी मत निकालना। तू मेरे को क्या समझती है रे? इन आंखों में प्यार नहीं फरेब है। हर बार झूठ बोलते हैं ये होठ। किसी दोस्त ने बोला है ना, ताकि अपन तुम हिलाता फिरे। हाँ, प्यार दिमाग से नहीं किया जाता, दिल से किया जाता है। अगर तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती हो तो उसके मुंह पर बोलो, वो चलेगा, पर झूठ नहीं। झूठ नहीं, अपने इस प्यार की नौटंकी दिखाकर कम से कम प्यार को बदनाम तो मत करो। दिल टूटता है अपुन का। ए, तेरे को नहीं पता तू अपुन के लिए क्या है? अपुन का देवी है तू, अपुन पूजा करता है तेरी। पंतु नहीं समझेगी। अपुन से कहने का था ना कि मैं टपुरी तेरी जोड़ी का नहीं है, पर झूठ काहे को बोला तुम? तेरे को मालूम मैं तुझसे प्यार क्यों किया? क्योंकि तू सच्ची थी। तुम उस समय सच्ची थी जब अपुन को भगाया, बेइज्जत किया, पिटवाया और जो बन सका किया। लेकिन अब अपुन तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती किया, कभी टॉर्चर किया क्या? बगीचे का फूल देकर प्यार जताना अपुन को नहीं आता है, बड़ा गिफ्ट को रिबन से बांध कर देना भी अपुन को नहीं आता है, दुकान से कार्ड लाके नाम लिख करके दे दिया नहीं आता है। अपुन बस ऐसा ही है, समझ में आया? ये एरिए का सर है, लोहे और स्टील की तरह सख्त हूं मैं। जब तू अपुन के प्यार को समझेगी तब ऐसे नहीं बोलेगी आई लव यू। उस वक्त तेरी ये होंठ नहीं बोलेंगे। वो इसलिए कि जो दर्द तूने दिए हैं वो दर्द तू भी महसूस करेगी। जब तू अपुन के प्यार को महसूस करेगी तब बोलेगी नहीं, बस रोती रहेगी। और तेरी आंखों से निकलने वाले उन मोतियों के जमीन पर गिरने से पहले अपुन उनको थाम लेगा, तेरे सर की कसम। आज के बाद अपुन तुझसे नहीं मिलेगा। ए बस रोक दे। अरे कृष्णा, ए तू ऑटो से आ रहा है? बाइक कहां पर है? अपना राजा कहां है? राजा क्या रे, ढीला लग रहा है, क्या हुआ? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? उमा की आज शादी हो रही है। ऐसे कैसे? उमा तो तेरी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ है। अरे साहब, रिक्शा खाली करो और मेरा भाड़ा दो, धंधे का टाइम है, जाने दो। अरे मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुकना। जल्दी करो बाबा। ऑटो में ऐसा क्या है, इतनी भीड़ क्यों लगी? ए भाई कटिंग दे। डेड बॉडी है क्या? ऑटो ऑटो ऑटो।
ये क्या है? मैं क्या करता यार? हेलो, उधर जाओ। अरे जाओ अपने काम पर, कोई शूटिंग नहीं चल रही है यहाँ पे। मैंने कहा था ना राजा मदद करेगा। ए भाई बड़ा ही बाद में है, पहले अंदर आओ। ए सुन, ए ले चल। ओके सर। आजा, रो मत। रोना बंद करना, सब ठीक हो जाएगा, राजा संभाल लेगा। ए क्या संभाल लेगा, किसे संभाल लेगा? दिमाग नहीं है? पहले नहीं बता सकता था? शादी के हॉल से उठा कर लिया है और तेरे को कर लिए? अरे कुछ भी सोचने समझने का टाइम नहीं था इसलिए उठा लाया। उठा लाया, रखेगा कहाँ पर? तो कमरा भाड़े पर ले लूंगा ना। उसके लिए पैसे हैं तेरे पास? इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसके गहने गिरवी रखकर। बेशर्म कहीं का, लड़की के गहने गिरवी रखेगा तो फिर और क्या करूं? तेरे भरोसे आया था, सोचा था तू कुछ करेगा, कोई तो रास्ता होगा। तुम उसे प्यार करती हो? सच बोलना। तुम उसे प्यार करती हो ना? कोई और पूछे तो ये बोलोगी? गाड़ी निकाल। कहाँ? आप उन पर भरोसा है ना, तो आ इसे साथ ला। डर मत, चल चल। कैसे हो गया ये सब? हो जाइए, शादी के मंडप से मेरी बेटी को भगा कर ले गया वो हरामखोर। डेकोरेशन पे कितना खर्चा कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूं? छोड़ो मुझे, क्या खाद धीरज रखूं? तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें भी पता चल जाएगा जब तुम्हारी बेटी को कोई मंडप से भगा कर ले जाएगा। देखिए भाई साहब, देखिए ना उधर, देखिए कौन आया। आपकी बेटी आ गई है वापस। मेरी बेटी को भगा कर ले जाने वालों के मैं टुकड़े कर दूंगा। ये पहले बात तो पता चले। क्या बात पता चले, जरा हिम्मत तो देखो इसकी, बेशरम की तरह मेरे सामने खड़ी है। आज से ये मेरे लिए मर चुकी है। जाओ धक्के मार कर निकाल दो इसे यहाँ से, जाओ। ए! अगर अपुन इसको वापस आपके बिल मिला सकता है तो अपुन को कम मत समझना। ये चिल्लम पुकार करके डराने का नहीं, सबकी हड्डी पसली तोड़ के इस मंडप को हॉस्पिटल में बदल देगा। ए आजा, चल मार। तू इसके टुकड़े करेगा ना, अचार बनाएगा और अपनी इस बेटी को विधवा बनाएगा। प्लीज पापा। हेलो हेलो हेलो, ठहर जरा, बाप और बेटी का रोना धोना बाद में करना, उससे पहले इम्पोर्टेंट काम बाकी है, चल। छोड़िए ना पापा, किस्मत खराब है, जो लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते, रहने दीजिए। क्या घूर क्यों रहा? तुम दोनों के प्यार के बीच इसका बाप विलन बन जाता है, ये तेरा अपना मामला है, इस चक्कर में इस आदमी की बेइज्जती काय को रे लिए? इनके पैर पकड़कर पहले दोनों माफी मांगो। जरा इनकी सोचो, खुशी खुशी ये दोनों अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, इस लड़की के साथ अपने सपनों का महल सजाने वाले थे। तुम्हें इनके सपने तोड़ने का कोई हक नहीं है, गलत है ये। इसके लिए तुम्हें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी, चलो। अरे अरे क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, शादी उसी से करनी चाहिए जो हमसे प्यार करता हो। तुमने सही किया, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं कराता। खुश रहो, दोनों खुश रहो। ये क्या तमाशा हो रहा है, उसे इस मामले में क्यों घसीट रहे हो? एक मिनट, एक मिनट, चलाओ मत। उमा, जो तुमने गैरेज में अपुन से बोला था वही अब सबके सामने बोलो, नहीं बोलेगी तो इसे पीटता हुआ यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं, 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 इसी से शादी करना चाहती हूँ। पीछे हटो। नूरे, अगर ये तुझसे शादी करेगी तो इसे रखने के लिए कोई घर है तेरे पास? पता है मैंने कितने नाजों से पाला है इसे? आज इसकी आंखों से आंसू निकले हैं तो सिर्फ तेरी वजह से। अरे राजा, क्या ये कुछ पूछ रहे तुझसे? जवाब दे, तेरे कितने घर है, कितना बैंक बैलेंस है, लड़की का ख्याल कैसे रखेगा, सब बता। लड़की उठा लिया, हो गया। पूछिए सर, प्यार से नहीं डांट कर पूछिए। बता बता। सर 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 सर, आपकी चिंता फुल टू जायज है, लेकिन क्या है ना, अभी इसकी हालत जरा टाइट है, क्योंकि अभी ये बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, जैसे बाकी लोगों को नौकरी की उम्मीद होती है इसे भी है। जैसे अच्छे दामाद का ख्वाब आपने देखा है ये बिल्कुल वैसा ही बन के दिखाएगा, और जिस दिन इसकी नौकरी लग जाएगी उस दिन ये हाथ मांगने आएगा और इसकी शादी आपको करनी होगी। सब सुनिए, आप लोग शायद लड़की के रिश्तेदार हैं, आप लोग गवाह हैं, तब तक हमारी अमानत यही रहेगी। चल रुक जाओ, तू बीच में क्यों पड़ रहा है? अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? सर सर छोड़िए ना। कृष्णा, कहां तक पढ़े हो? छोड़िए ना सर, इसने माफी तो मांग ली ना। BSc कंप्यूटर साइंस। पापा विजिटिंग कार्ड दीजिए। इसलिए? दीजिए ना, ये रहा मेरा कार्ड,
कल से तुम मेरे यहाँ प्रोग्रामर का काम करोगे। सैलरी 15,000 होगी। थैंक यू वेरी मच सर। ये नौकरी मैं तुम्हारी वजह से नहीं दे रहा हूँ, इसकी वजह से दे रहा हूँ। लड़की को भगाने के बाद हमेशा ऐसा होता है कि दोस्त लोग उनकी शादी चोरी छिपे करवा देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि कोई उनकी आगे की जिंदगी संवारने के लिए बिना डरे मुझसे यहाँ पर माफी मंगवाने लाता है। इसकी भड़प्पन की वजह से ही तुम्हें जॉब मिली है। जाओ शादी की बात करो। आपने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। थैंक यू सर। आजा सर, हो सकता है ये आपकी उम्मीद पर पूरी तरह से खरा ना उतरे, पर आपकी लड़की को अपने पलकों पर बैठाएगा, मान जाइए ना सर। पापा, यहाँ खून की नदियां बहने वाली थी, लेकिन तुमने तो खुशियों की लहर ला दी। जीते रहो, तरक्की करो बेटा। पंडित जी शुरू कीजिए। अबे खड़ा क्यों है, शादी के लिए शेरवानी नहीं है? भूल जा, जींस में शादी कर ले। पंडित जी विवाह की कार्रवाई शुरू करो।